सरकारी घर जो नवोदय अपने टीचिंग स्टाफ को प्रोवाइड करता है वो कैंपस के अंदर ही होता है, कैंपस के बाहर रहना अलाउड नहीं है। कोई भी रेंट हमें नहीं देना होता, हमें सिर्फ बिजली का बिल देना होता है। जिस दिन मैंने नवोदय ज्वाइन करा था, मेरे क्वार्टर का कुछ ऐसा सीन था, बेड मुझे स्कूल वालों ने प्रोवाइड किया हुआ था, मैट्रेस भी उन्होंने ही दिया था, पिलो भी उन्होंने ही दिया था, टेबल चेयर भी उन्होंने दी थी कुछ टाइम के लिए कि मैं अपनी चीज़ें अरेंज कर सकूं। आसपास की मार्केट से आप अपनी चीज़ें ले सकते हैं, फूड के लिए आप मेस में जा सकते हैं, टीचिंग स्टाफ के लिए फूड फ्री है मेस में, आप अपने रिलेटिव्स के लिए घर पर ही फूड बना सकते हैं, मेस में सिर्फ टीचिंग स्टाफ ही खा सकता है। फीमेल एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर गर्ल्स हॉस्टल के पास होता है और मेल एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर बॉयज़ हॉस्टल के पास होता है। कभी कभार स्पेस ना होने की वजह से जो क्वार्टर्स होते हैं वो एक रूम में या एक जगह बनाए जाते हैं। ये है एक साल के बाद मेरे क्वार्टर की कंडीशन। आप अपना किचन गार्डन खुद से बना सकते हैं। अगर आपको आपके क्वार्टर में कोई भी रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्रिंसिपल सर को बोल के अपने रेनोवेशन करा सकते हैं। शेयरिंग भी आपको कभी करनी पड़ सकती है अपने क्वार्टर की। कभी कभार टीचिंग स्टाफ ज़्यादा होने की वजह से हमें शेयर करने पड़ सकते हैं अपने क्वार्टर्स, अपने रूम कुछ टाइम के लिए, या फिर जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके तब तक। फ्लोर वाइज भी क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे बहुत सारी जगह क्वार्टर्स दिए जाते हैं नवोदय में। क्योंकि स्पेस उतना नहीं होता कि पर पर्सन को एक सिंगल क्वार्टर दिया जाए, तो फ्लोर वाइज भी बहुत सारे नवोदय में आप देख सकते हैं क्वार्टर्स को। आप अपनी पूरी फैमिली को क्वार्टर में रख सकते हैं। कभी कभार पावर शॉर्टेज की वजह से, लाइट ना होने की वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है, उसके लिए नवोदय विद्यालय ने इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी फैन दिया होता है हर एक क्वार्टर में और हर एक हॉस्टल में बच्चों के लिए।